हेलो एवरीवन, साथियों कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। साथियों, बिहार इंटीग्रेटेड बीएड यानी बिहार 4 वर्षीय बीएड के जो पीवाईक्यू में टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, जो कि 25 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसका पीवाईक्यू यानी पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले साल का जो पेपर है, ठीक, तो इसका हम एनालिसिस करेंगे। साथ ही देखेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। साथ ही आपको एक आइडिया जरूर लगेगा कि यह प्रश्न कैसा होता है, और इसके आधार पर आपको तैयारी करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। ठीक, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि साथियों स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आपको पता होना इतना जरूरी है कि आपके टोटल जो है ये 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 25 क्वेश्चन आपके टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट इन स्कूल। एक बेसिक मैं जानकारी बता देता हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड ही याद रखेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है? जैसे अगर आप टीचर हैं तो विद्यालय में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? ठीक, रोल ऑफ टीचर, टीचर की क्या भूमिका होती है? ठीक, रोल ऑफ टीचर की बात करता हूँ। अगर आप प्रिंसिपल के साथ कैसे बिहेव करेंगे, एक बच्चे के साथ आपका बिहेव कैसा होगा, अगर एक बच्चा अगर लेट से आता है, विलम्ब से आता है, तो उसे आप क्या करेंगे? क्लास से बाहर कर देंगे या फिर उनसे जानने की कोशिश करेंगे? इन्हीं तमाम बातों को हम टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल में पढ़ेंगे। ठीक, और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। मुख्य रूप से इसमें ये होता है कि टीचर की भूमिका क्या होती है, टीचर कैसा होना चाहिए, ठीक, और पढ़ाते हैं तो उसके लिए पढ़ाने के साथ साथ कौन सी सामग्री का यूज किया जाता है। सामग्री की ही जहाँ बात करता हूँ, जैसे जिसे हम कहते हैं TLM, ठीक, जैसे डस्टर हुआ, आप जैसे डस्टर अलग अलग तरह के यूज करते हैं, कॉपी किताब बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक, उसी तरह से। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? जब भी प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो आप, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन होता है, आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो ऐसे जरूर टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको लगेगा कौन सा भौतिक संरचना का उदाहरण है, और आप टिक लगा देंगे, आपको गलती हो जाएगा। ऐसे टोटल आपके पेपर में 5, जहां तक टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करता हूँ, तो टोटल 25 में 5 क्वेश्चन जरूर आपको ऐसे देखने को मिलेगा जहां से आप गलती से बच सकते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? खेल का मैदान, भवन, प्रयोगशाला या लाइब्रेरी। तो ये जो प्रयोगशाला होता है, प्रयोगशाला यह भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है। खेल जो है यह भौतिक संरचना का उदाहरण है, भवन भी है, ठीक, लाइब्रेरी भी है, क्योंकि भवन के अंतर्गत ही आपका क्या आता है, लाइब्रेरी। लेकिन जहां तक प्रयोगशाला की बात करता हूँ तो ये आपका अलग होता है क्या? तो इस प्रकार आपका उत्तर जो है यह ऑप्शन सी यानी प्रयोगशाला हो जाएगा। ठीक, दूसरा आपका क्वेश्चन है, एक परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है, यह एजुकेशन से है। क्या चीज से? एजुकेशन से। एजुकेशन में भी ये जो 3 तरह के पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न? एक तो ये हो गया, एक परिवार शिक्षा बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है, तो मैं बताता हूँ कि उसको 3 रूप में आप याद रखेंगे, 3 रूप में, ठीक, जहां से प्रश्न आपके 1 नंबर, यहाँ से उसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर प्रश्न बनते हैं। पहला आपका आता है अनौपचारिक शिक्षा, दे देगा कि इनमें से जैसे दे, आप एक एक करके बताते हैं अनौपचारिक शिक्षा। दूसरा आपका क्या दे देगा? औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा मुख्य रूप से 2 ही पूछे जाते हैं, ठीक, और उसके बाद तीसरा आता है गैर औपचारिक, गैर औपचारिक शिक्षा की बात हो रही है। यानी 3 हो गए, एक हो गया क्या अनौपचारिक, ठीक, ए, बी हो गया औपचारिक शिक्षा, ठीक, और सी हमारा क्या हो गया, सी हमारा ये हुआ गैर औपचारिक शिक्षा। तो जहां तक मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यह अनौपचारिक शिक्षा की जहां तक बात करता हूँ तो आपका परिवार जो होता है, ये परिवार जो होता है, ये परिवार यह आपका अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी सीखते हैं तो यह क्या होता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं सीखते हैं परिवार में, जैसे भाई से, मम्मी से, पापा से, माता से, पिता से, भाई बहन, ये सभी से कभी सीख लेते हैं।
लेकिन औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, औपचारिक शिक्षा याद रखना है आपका विद्यालय होता है। इसके लिए एक क्या है निर्धारित है कि 10 बजे से स्कूल होगा, 3 बजे तक चलेगा। इसके लिए घंटी पीरियड है, घंटी है, ठीक, क्या है आपको पूरा घड़ी के हिसाब से चलना होगा कि फर्स्ट पीरियड में ये सब्जेक्ट होगा, दूसरा घंटी में हिंदी होगा, तीसरा में क्या होगा। और ये सभी विद्यालय आपको याद रखना है विद्यालय आपका औपचारिक होता है। तीसरा गैर औपचारिक डिस्टेंस कोई प्रोग्राम होता है, डिस्टेंस लर्निंग होता है, आप जानते होंगे डिस्टेंस, सुने होंगे, दूरस्थ की बात हो रहा है, तो हमारा यह गैर औपचारिक हुआ। जब परिवार की बात करता हूँ तो इसमें क्या है, परिवार की बात हो रही है तो परिवार हमारा क्या हो जाएगा, अनौपचारिक। अगर औपचारिक की बात होता तो आपका क्या हो जाता, यह विद्यालय हो जाता। गैर औपचारिक की अगर बात करता तो डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम होता। डिस्टेंस दूरस्थ शिक्षा की जहाँ तक बात करता हूँ तो आपको घर बैठे सिर्फ आपको एग्जाम देना होता है, असाइनमेंट लिखना होता है, लेकिन आपको रेगुलर क्लास नहीं करना पड़ता, यह डिस्टेंस लर्निंग कहलाता है। तो 1 से 2 नंबर, यहाँ से 2 मार्क्स आप फिक्स कर लीजिए कि हर एक बार आपके परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, 2 मार्क आपको देखने को आगे मिलेगा कि 2 क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से कवर कर लीजिएगा कि अनौपचारिक शिक्षा किसके अंतर्गत आता है, औपचारिक में क्या क्या आता है और गैर औपचारिक में क्या क्या आता है। जैसा कि आपको, जैसा मैं एग्जाम्पल बताया, परिवार अनौपचारिक होता है, विद्यालय औपचारिक होता है और डिस्टेंस सेम ऐसे ही आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। सेम यही एग्जाम्पल डिट्टो जैसा मैं बताता हूँ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। यह क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक। अगला हमारा है, कहता है एक बच्चा, तीसरा क्वेश्चन है, एक बच्चा सीखना शुरू करता है। कब बच्चा सीखना शुरू करता है, जब उसे स्कूल में भर्ती कराया जाता है, जब वह बात करना शुरू करता है, जब वह अपने घर से बाहर निकलता है, या फिर जन्म से ही। तो एक बच्चा सीखने की जहां तक मैं बात करता हूं तो वह जन्म से ही, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से ही क्या होता है, जन्म लेता है उस समय से ही क्या करता है, कुछ ना कुछ वह सीखते रहता है। इस प्रकार जन्म हमारा यह जो सीखने की प्रक्रिया होती है ये जन्म से लेकर क्या मृत्यु तक चलती रहती है। तो यह कोई भी बच्चे कोई भी कुछ सीखते हैं तो ये हमारी प्रक्रिया जो है यह क्या चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। अगला है, एक बहुभाषी व्यक्ति वो है जो जानता है। कहता है बहुभाषी व्यक्ति क्या है जो जानता है, बहुभाषी कहने का मतलब ये हुआ क्या कि एक व्यक्ति बहुभाषी, बहु का मतलब अनेक भाषा, जो अनेक भाषा को जानता हो, केवल एक भाषा को या केवल मातृभाषा को, या दो से क्या, दो या दो से क्या होना चाहिए, दो या दो से अधिक भाषा, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, नाम से ही स्पष्ट है बहुभाषी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, बहुभाषी, बहु मतलब अनेक भाषा, यानी दो से अधिक भाषाओं जो हम मतलब पढ़ लिख या सकते हैं, बहुभाषी भाषा कहलाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार बहुभाषिक से भी प्रश्न रहते हैं आपके परीक्षाओं में। एक फुल फॉर्म से परीक्षाओं में प्रश्न रहते हैं कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट के भी दे देंगे एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होगा, क्या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट एंड ट्रेनिंग हो जाएगा, रिपोर्ट एंड ट्रेनिंग, या रिसर्च एंड ट्रेनिंग, या रिजर्व एंड ट्रेनिंग, या रीजनल एंड ट्रेनिंग। तो नेशनल क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से प्रश्न बनते हैं और एनसीईआरटी की स्थापना कब हुआ था ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे देखेंगे। साथ ही एनसीईआरटी का फुल फॉर्म जो है आपको जरूर याद कर लेना ही है, क्या एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अगर लास्ट में भी अगर याद रखते हैं तो सब में क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ, यहाँ तक आया है नेशनल काउंसिल ऑफ, नेशनल काउंसिल ऑफ, नेशनल काउंसिल ऑफ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल तक भी आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, लेकिन लास्ट में क्या है, रिपोर्ट एंड ट्रेनिंग की बात हो रही है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात हो रही है, या रिजर्व एंड ट्रेनिंग की बात हो रही है, या रीजनल एंड ट्रेनिंग की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा आपका, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे परीक्षाओं में प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। इसके बाद एजुकेशन की जहां तक मैं बात करता हूँ तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, भारत में प्राथमिक शिक्षा की अवधि कब है, यानी
यानी प्राथमिक शिक्षा की जो अवधि होती है यह 5 वर्ष होती है, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक यह हमारा 5 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष तक? यह 5 वर्ष तक होता है। तो क्लास भारत में प्राथमिक शिक्षा की अवधि कितने है? यह 5 वर्ष है। उसके बाद है 7वां क्वेश्चन, जैसा कि आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है निम्न में कौन विद्यालय की पाठ सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है? देख रहे हैं ना, नहीं है, है तो आप इसे जरूर टिक लगा लीजिएगा, नहीं है या है। वाद विवाद प्रतियोगिता, तो ये तो पाठ सहगामी क्रिया का भाग है, वाद विवाद प्रतियोगिता। कक्षा व्याख्यान, संगीत एवं गायन या ड्रामा, देखिए ड्रामा भी है ठीक, संगीत एवं गायन की भी है और वाद विवाद प्रतियोगिता भी है। तो कहता है इनमें से कौन सा भाग नहीं है? तो कक्षा व्याख्यान की जहां तक बात करता हूं तो ये पाठ सहगामी क्रिया का भाग नहीं है। व्याख्यान, कक्षा व्याख्यान का मतलब ये होता है कि आए प्रोफेसर और क्या किए, आपका व्याख्यान करके लेक्चर देके क्या किए, चले गए। तो ये हमारी पाठ सहगामी क्रिया का भाग नहीं है। वाद विवाद प्रतियोगिता भी है, संगीत एवं गायन भी है, ड्रामा भी है ठीक। पाठ सहगामी क्रिया का मतलब ये होता है, जैसे इसमें क्या आता है, पाठ सहगामी क्रिया में क्या क्या आता है? पाठ सहगामी क्रिया में आपको पेंटिंग आता है, पाठ सहगामी क्रिया में आपका चित्रकला भी आता है ठीक, चित्रकला आता है, गायन आता है, गीत आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पाठ्य के साथ, एक याद रखना है, पाठ्य के साथ छात्रों को विद्यालय में कराई जाती है, पाठ्य के साथ विद्यालय में कराई जाती है, यानी पाठ्यम के अलावा भी विद्यालय में क्या कराई जाती है? विद्यालय में कराई जाती है। तो पेंटिंग भी कराई जाती है, पाठ्यम सिलेबस में भी दिया हुआ है और विद्यालय में भी किया कराया जाता है। चित्रकला है जो आपके सिलेबस में भी होगा, विद्यालय में भी कराया जाता है। गीत आपके सिलेबस में भी होगा और विद्यालय में कराया जाता है। तो यहाँ जो प्रश्न था, इनमें से कौन सा नहीं है, नोट की बात हो रही थी, तो आपका देखिए पेपर जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा ठीक। तो कहीं भी अगर डाउट होगा तो आप इंग्लिश का भी हेल्प ले सकते हैं और हिंदी का भी हेल्प ले सकते हैं। तो कौन सा भाग नहीं है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह कक्षा व्याख्यान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है भारतीय संविधान द्वारा अंग्रेजी को क्या दर्जा दिया गया है? कहता है अंग्रेजी को क्या दर्जा दिया गया है? क्या राष्ट्रभाषा या संपर्क भाषा या राजकाज की भाषा या सहायक राजकाज की भाषा? तो आपको साथियों बता दूं कि संविधान में अंग्रेजी को सहायक राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो देख पा रहे होंगे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 9वां क्वेश्चन, जैसा कि साथियों स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें यही क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो यह जो हुआ था 1 सितंबर 1961। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हमारा कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1961 को, 1961 को आप इसे जरूर याद रखिएगा, यह आपकी स्थापना हुआ था ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यह आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 10वां क्वेश्चन, इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया, अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, कहता है इनमें से कौन साहित्यिक क्रियाएं नहीं है, इसमें पूछा जाता रहा है नहीं है। जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर नहीं आता है तो आपको अंडरलाइन करना है। नहीं आने का मतलब ये हुआ कि जिस ऑप्शन में नहीं है या इनमें से कोई नहीं है, यानी इनमें से कौन सा गलत है, तो आपको अंडरलाइन जरूर कर देना है, क्योंकि इससे आपको 5 नंबर आपके जरूर बच जाएंगे। कहता है निबंध लेखन, NSS, वाद विवाद, क्यूज। तो हमारा यह साहित्यिक क्रिया के जो भाग नहीं है, जो क्रिया नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यह आपका करेक्ट हो जाएगा, NSS। अगला 11वां क्वेश्चन, जैसा कि साथियों स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अधिगम एक प्रक्रिया है, तो अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? क्या हमारा यह सरल प्रक्रिया है या जटिल एंड सक्रिय दोनों है या निष्क्रिय है? तो व्यक्तिगत है। तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है, सीखना क्या होता है, यही अधिगम कहलाता है। हम जो कुछ लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है, यह हमारा अधिगम कहलाता है। क्या गेट्स महोदय ने कहा था, गेट्स महोदय ने कहा था कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम कहलाता है। यानी कहने का मतलब होता है, जब तक बिहेवियर, व्यवहार की जहाँ तक बात करता हूँ, जब आपके व्यवहार में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो यह आपका अधिगम नहीं कहलाता है। यानी आप अगर कुछ सीखते हैं ठीक, अगर अपने व्यवहार में चेंज आता है ठीक, तभी आपका यह अधिगम कहलाता है।
तो यह जटिल एवं सक्रिय दोनों प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यह दोनों प्रक्रिया है। अधिगम समझ गए कि अधिगम क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखना एज ए सेंस लर्निंग से है, ठीक। तो इस प्रकार यह दोनों प्रक्रिया है, एक आसान सक्रिय भी है, एक्टिव प्रक्रिया भी है, और यह क्या हो जाएगा, यह जटिल प्रक्रिया भी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यह आपका ऑप्शन नंबर जहां तक साथियों आपका क्या हो जाएगा, यह आपको बी हो जाएगा। अगला है, अगला आपका है 12 नंबर, जिसमें कहता है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, या पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, या पूछने से रोकना चाहिए। कहता है बच्चों को कक्षा में प्रश्न, अगर आप टीचर हैं, मान लीजिए आप टीचर हैं, भविष्य में आप टीचर बनेंगे, तो अगर बच्चा आपसे प्रश्न पूछता है तो क्या आप अनुमति नहीं देंगे? गलत बात है, अनुमति देंगे। पूछने के लिए प्रेरित करेंगे, करना चाहिए, सही बात है कि अगर बच्चा कहीं से समझ में नहीं आया तो अगर आप टीचर हैं तो प्रश्न पूछिए। पूछने के लिए हतोत्साहित करेंगे, क्या बच्चे को आप डांटेंगे, मारेंगे, पीछे पीटेंगे अगर आप बच्चा प्रश्न पूछता है, या पूछने से रोकना चाहेंगे? तो फिर क्या हो जाएगा, अगर आप टीचर हैं तो बच्चों से प्रश्न पूछने के लिए क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और किस प्रकार करेक्ट होगा, क्योंकि अगर आप एक टीचर हैं तो आपका पहला कर्तव्य ये होता है कि आपने जो पढ़ाया, आपने बच्चों को जो सिखाया, बच्चे को कहीं अगर दिक्कत है तो बच्चे इसे प्रश्न जरूर करे, कहीं डाउट हो तो प्रश्न जरूर पूछे। ऐसा नहीं है कि पूछने, अगर बच्चा प्रश्न पूछता है तो पूछने से रोकना चाहिए, या फिर अनुमति नहीं दीजिए कि कोई भी बच्चा मेरे क्लास में एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, मैं जो पढ़ाऊंगा वही बच्चा पढ़ेगा, ऐसा भी तो नहीं है ना। बच्चा तो पूछेगा ना, बच्चा को कहीं समझ में नहीं आया तो पूछेगा, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो बच्चों से जरूर पूछिएगा कि अच्छा ये बताओ कि कहाँ समझ में नहीं आया, अगर कोई डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। अगला हमारा है, एक शिक्षक को होना चाहिए, एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, दयालु और अनुशासित रखने वाला, शांत और प्रतिक्रियाशील, या कठोर, या फिर निष्क्रिय और सक्रिय। तो अगर आप, तो कैसा होना चाहिए यह आपको साथियों, यह कैसा होना चाहिए, यह जो होता है यह निष्क्रिय और सक्रिय दोनों रूप में होता है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप एक टीचर हैं तो आपको एक्टिव भी होना पड़ेगा, साथ ही न्यूट्रल भी होना पड़ेगा, ठीक। अगर बच्चा कभी गलती करते हैं तो उस गलती को कभी नजरअंदाज भी करना होगा, या फिर उसको जानकारी लेना पड़ेगा कि बच्चा ने आखिर गलती क्यों की, ठीक। तो सभी तरह के बात होते हैं जिसमें निष्क्रिय और सक्रिय दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा यह आपका करेक्ट हो जाएगा। फुल फॉर्म से जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर रहेंगे, इसी प्रकार एनसीईआरटी से था, तो ये जो है यह 2 क्वेश्चन इसी सेट में आए गए हैं कि एनआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, या फिर नेशनल इंडियन ओपन स्कूलिंग, ठीक, या फिर नेटिव इंडियन ओपन सेटिंग, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन सेल्फ। तो क्या हो जाएगा, आपको स्कूलिंग की बात हो रही है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन क्या हो जाएगा, आपका स्कूलिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा यह आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, जैसा कि साथियों स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें 15 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा में कितने व्यंजन ध्वनि होते हैं, ठीक। तो अंग्रेजी भाषा की जहां तक बात करता हूं तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल आपको 21, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक। उसके बाद 16 नंबर है, सीखना संभव नहीं है, सीखना किसके बिना संभव नहीं है, क्या प्रेरणा के बिना, या शिक्षक के बिना, या पाठ्य पुस्तक के बिना, या दिशा निर्देश के बिना। देखिए लर्निंग जो होता है, सीखना जो होता है, लर्निंग जो होता है, जैसे अगर कुछ आप सीखते हैं तो क्या शिक्षक के बिना सीख जाते हैं, कभी आप मम्मी पापा के साथ सिखा देते हैं, भाई बहन, तो ये भी आपका गलती हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक के बिना, क्या ऐसा भी तो नहीं है कि जो किताब रहेगा वही सीखेगा, जिसके पास किताब नहीं है वो नहीं सीखेगा। दिशा निर्देश, जिसके पास गाइडेंस नहीं है फिर भी वो सीख जाता है, कहने का मतलब है, लेकिन अगर वो खुद से मोटिवेट नहीं है कि मुझे आज जैसे ये पढ़ना है, क्या करना है, मुझे पढ़ना है, जैसे मुझे आज ये टॉपिक को खत्म करना है, क्या करना है, टॉपिक को खत्म करना है। तो जब आप
खुद से मोटिवेट नहीं होंगे, खुद से मोटिवेट नहीं होंगे। देखिए प्रेरणा भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खुद वाला सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ सेल्फ मोटिवेशन होता है ठीक, और हमारा दूसरा क्या होता है मतलब बाय एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है जिसमें बाह्य आदमी के द्वारा आपको मोटिवेट किया जाता है कि जैसे आपने देखा कि अच्छा कोई डॉक्टर बना है, कोई टीचर बना है, तो मुझे भी डॉक्टर बनना है ठीक। और एक होता है कि नहीं मुझे टीचर बनना, टीचर बन के बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, किसके लिए बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। तो आपको क्या है, आपको खुद के लिए अच्छा लगता है, अच्छा मैं टीचर बनूंगा तो बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाऊंगा, तो ये एक मोटिवेशन होती है। तो ये हमारा किसके बिना सीखना जो संभव नहीं है, तो ये हमारा यह मोटिवेशन। देखिए लर्निंग से 3 से 4 क्वेश्चन जहां तक मैं बात करता हूं, तो सीधा लर्निंग से यानी सीखने से आपका 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। तो लर्निंग जो टॉपिक है आपको अच्छे से, एक बात मैं बीच में फिर से कह देना चाहता हूँ साथियों कि अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, अगर हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर टीचिंग ओरिएंटेड ऐप, टीचिंग ओरिएंटेड ऐप या 7982640599 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां से आप या तो नोट से पढ़ना चाहते हैं तो नोट से पढ़ाई कर सकते हैं, या कंप्लीट सिलेबस, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का, टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग से कोर्स पढ़ना पढ़ाई करना चाहते हैं। मेरे कोर्स में जो कोर्स है टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड का, तो उसमें ये सभी टॉपिक को कवर किया गया है, जैसे डिसलेक्सिया की जहाँ तक बात करता हूँ मैंने, एजुकेशन को लेकर बताया कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, औपचारिक क्या होता है, हर एक चीज को मैंने इस टॉपिक में दिया हूँ, आपके कोर्स के अंतर्गत दिया हूँ। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए 7982640599। नोट्स लेना चाहते हैं नोट से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड का स्पेशल कोर्स लेना चाहते हैं, या फिर आप कंप्लीट सिलेबस का कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कीजिए। जैसा मैं बता रहा हूँ सेम ऐसा ही मैंने पढ़ाया है, और मैं आशा कर भी करूंगा कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेगा ठीक। अगला है डिसलेक्सिया। देखिए यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, दो क्वेश्चन बनते हैं जरूर। डिसलेक्सिया की जहां तक मैं बात करता हूँ, तो डिसलेक्सिया का संबंध पढ़ने से होता है, डिसलेक्सिया पढ़ने से होता है। और एक होता है डिसग्राफिया, जो कि आपके परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, डिसग्राफिया इस चीज को आप नोट कर लीजिए, डिसग्राफिया का संबंध लिखने से होता है, डिसग्राफिया। जैसे हम अभी कुछ जैसे आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ मौखिक थोड़ी ना होता है, ग्राफ के लिए लिखना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा डिसग्राफिया, क्या हो जाएगा डिसग्राफिया। अगर गणित में कैलकुलेशन से संबंधित हो, गणना में अगर प्रॉब्लम हो, तो हमारा यह क्या हो जाएगा डिसकैलकुलिया, डिसकैल क्या हो जाएगा डैश डिसकैलकुलिया, तो हमारा यह डिसकैलकुलिया हो जाएगा। कैलकुलेशन से 3 चीज से प्रश्न पूछता है, एक है डिसलेक्सिया पढ़ने से है, डिसग्राफिया लिखने से है, और तीसरा हमारा आता है गणना डिसकैलकुलिया यानी डिसकैलकुलेशन से। तो अगर ये चीज से प्रश्न अगर आता है कि पढ़ने में कोई विकार उत्पन्न होता हो, डिसग्राफिया की जहाँ बात करता हूँ, डिसकैलकुलिया, तो 3 ऐसे हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, और यहीं से आपको प्रश्न भी आगे देखने को मिलेगा। अगला है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि साथियों देख पा रहे होंगे, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होती है। तो एक शिक्षक है, मान लीजिए अगर आप एक टीचर हैं तो क्या भूमिका सबसे ज्यादा होती है ठीक। तो सबसे ज्यादा भूमिका होती है अच्छा स्वास्थ्य होती है, या भिन्न विचारक होते हैं, या विषय वस्तुता में दक्षता होती है, या शिक्षण कौशल में क्या होती है, यह दक्ष की बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा जो होता है यह विषय वस्तुता में हमारा क्या दक्षता। अगर आप एक टीचर हैं, अगर आपको पढ़ाना है बल बल पढ़ाना है ठीक, तो एज ए टीचर को क्या करना चाहिए, सबसे पहले बल, जैसे असाइनमेंट बना आप जब बीएड करके जब आप तैयारी करेंगे आगे, तो इस प्रकार देखने को मिलेगा आपको असाइनमेंट, क्लास में अगर जाते हैं, क्लास अगर जाएंगे तो सबसे पहले असाइनमेंट आपको पूरे पढ़ाना पड़ेगा कि कल बच्चों को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, आपको पूरे क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। अगर बल पढ़ाते हैं तो एज ए टीचर को बल के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, पूर्ण रूप से दक्ष होना चाहिए। इस प्रकार विषय वस्तु में दक्षता एज ए टीचर के लिए सबसे ज्यादा
महत्वपूर्ण होता है। ठीक, समझ गए। अगला है, भारत में प्राथमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है? तो यह हमारा कितना हो जाएगा, यह आपका 5 वर्ष, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है, तो हमारा यह कितना हो जाएगा, यह 5 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद है माध्यमिक स्कूल। देखिए ऐसे ही 5 क्वेश्चन यहाँ से भी बने हैं, तो 5 क्वेश्चन बने हैं तो कैसे आगे बनेंगे नेक्स्ट एग्जाम में, यानी आपके इस एग्जाम में, ठीक, कैसे प्रश्न बनेंगे ये भी हम देखेंगे। मैं बताऊंगा हर एक टॉपिक को भी, ये भी बताऊंगा कि कैसे प्रश्न बनेंगे। ठीक, तो टेंशन नहीं लेनी है, जहां तक आप आए हैं तो निश्चिंत रहिएगा, आपको सभी सुविधाएं मिलेगी। कहता है किसी किस कक्षा स्तर के लिए माध्यमिक स्कूल की बात हो रही है, तो माध्यमिक को आपको पता होगा साथियों, जब आप 10th किए होंगे तो माध्यमिक स्कूल लिखा गया होगा। क्या माध्यमिक स्कूल आपको क्या मिला होगा, माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक स्कूल। ठीक, तो माध्यमिक स्कूल की जहां तक मैं बात करता हूँ, तो यह हमारा क्या होता है, यह हमारा 9th और 10th, जहां से आपने 10th एग्जाम दिया है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह माध्यमिक स्कूल हो जाएगा। जैसा कि इसमें बात हो रहा है अगले क्वेश्चन में, ये सभी जो है ना एक ही सेट का है, यानी एक ही साल का जो प्रश्न जो पूछा गया है यह सभी है, तो सभी इंपोर्टेंट है आपके लिए। कहता है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी है, उच्चतर माध्यमिक की बात हो रही है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह 2 वर्ष होता है उच्चतर माध्यमिक, यानी इंटर की बात हो रही है, तो हमारा यह 11th और क्या हो जाएगा, यह हमारा 11th और यह 12th होता है उच्चतर माध्यमिक में, यानी 2 वर्ष। ठीक ना, तो 2 वर्ष यह होता है, तो आप इतना समझ गए। 22 नंबर है, कहता है विद्यालय में एनसीसी जो होता है यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हमारा सैन्य क्रियाओं के अंतर्गत आता है, क्योंकि एनसीसी का ट्रेनिंग उसी लोग को दिया जाता है जो भविष्य में क्या करेंगे, ये पुलिस यानी सैन्य विभाग में जाना चाहते हैं, सैन्य पदाधिकारी या फिर सैन्य, जैसे पुलिस, जैसे आप सुने, जरूर सुने होंगे एनसीसी की ट्रेनिंग होती है, तो ये सभी हमारा यश क्या है, सेना से जुड़ा हुआ, यानी सैनिक प्रक्रिया हो जाएगा। अगला है, कहता है कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करे तो क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करेंगे। अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक शिक्षक हैं, अगर कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करता है तो आप क्या करेंगे, आप बताइए। ठीक, दंडित करना चाहिए, क्या आप उसे मारेंगे पीटेंगे, मारना चाहिए या बाहर भेजना चाहिए, या क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए। संलग्न का मतलब ये होता है कि उसे, जैसे आप कोई अन्य पाठ की क्रिया की बात, अच्छा कहेंगे मोहन बदमाशी करता, अच्छा राम को पढ़ा दो, राम को पढ़ाओ, तो वो उसमें व्यस्त हो जाएगा, तो क्या करेगा, यह झगड़ा या बदमाशी नहीं करेगा। यानी क्या कहता है, किसी अलग क्रियाओं में आप उसे क्या करेंगे, संलग्न कर देंगे, क्या करेंगे, संलग्न कर देंगे। ठीक, जोड़ देंगे तो आपका यह, तो अन्य क्रिया में उसे लगा देंगे ना, तो उसे, जैसे कहते हैं ना क्या होता है, शांत दिमाग शैतान का, शांत दिमाग में रखना है बच्चे को, आपको उसे हमेशा क्या करना है, एक्टिव रखना है, क्या रखना है, एक्टिव रखना है, तो जब बच्चा एक्टिव होगा तो बदमाशी नहीं करेगा। ठीक, अगला है कक्षा शिक्षण होना चाहिए। कहता है कक्षा शिक्षण कैसा होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए या अंत क्रियात्मक होना चाहिए या आसान होना चाहिए, एक तरफा होना चाहिए, एक तरफा भी नहीं होना चाहिए, आसान भी नहीं होना चाहिए, और तीव्र की तो कोई बात ही नहीं है, तो अंत क्रियात्मक होना चाहिए, यानी टीचर और छात्र के बीच जो जुड़ाव है। ठीक ना, हमारा ये जो है ना, इसका अन्योन्याश्रय संबंध होता है, तो अंत क्रियात्मक की जहां तक बात करता हूं, तो अन्योन्याश्रय का संबंध होता है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो है यह अंत क्रियात्मक से हो जाएगा। ठीक, तो अगला है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी, जैसे कहते सुने होंगे यह प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, मतलब कि वो तेज विद्यार्थी है, अभिसरण विचारक हो जाएगा या भिन्न विचारक हो जाएगा या बहिमुखी या बहुत ही मेहनत करने वाला। तो कहते हैं कि जो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका सोच जो है अन्य बच्चों से भिन्न होता है, भिन्न विचारक होते हैं। अगर मान लीजिए अगर एक उनके पास समस्या आती है, अगर उनके पास अगर समस्या आती है तो उसको सॉल्व करने का अनेकों रास्ता ढूंढ लेता है, अच्छा ये है, तो उसका क्या है, उसका सोच जो है देखिए किस प्रकार से कितना फैला हुआ है, अगर कोई समस्या आती है तो यह सॉल्व कर लेता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में 25 क्वेश्चन जो कि आपने देखा, और यह सभी जो है ये एक साल का कहीं पूछा गया क्वेश्चन है आपके बिहार इंटीग्रेटेड बीएड का, 4 वर्षीय बीएड का। तो साथियों यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक बात, अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। एक बात और कहना देना चाहता हूँ साथियों कि बेहतर तैयारी के लिए आपको बेहतर गाइडेंस की जरूरत होती है, इसके साथ साथ अच्छे
आपको वही टॉपिक पढ़ना है जो टॉपिक आपके परीक्षाओं में आएगा। तो इस प्रकार अगर आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो टीचिंग ओरिएंटेड ऐप या 7982640599 पे आप व्हाट्सएप करके आप अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आप यहाँ जो है ना बहुत ही कम समय में अगर पास होना चाहते हैं तो नोट्स ले सकते हैं। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड का स्पेशल कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही कम प्राइस में दिया गया है टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक। या फिर आप कंप्लीट सिलेबस लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, आपका जो मन आप ले सकते हैं। अगर आप कंप्लीट सिलेबस लेते हैं तो आपको ये सभी नोट्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सभी आपको ऑल मिल जाएंगे, ठीक। तो कहीं भी कोई डाउट है तो 7982640599 आप पे व्हाट्सएप कीजिए, आपकी जो भी समस्या है तो सॉल्व हो जाएगा। जैन साथियों, अगर सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा।